हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल राधे राधे आप सभी कैसे हैं आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे हम भी बहुत बढ़िया हैं और अभी मॉर्निंग हो चुकी है हमारी करीबन बज रहा है छः छः साढ़े छः के करीब में हो रहा है मैं आ गई हूँ किचन में किचन की क्लीनिंग मैंने कर रखी है और उसके बाद अभी बना लेते हैं बाबू के लिए ब्रेकफास्ट तो आज ब्रेकफास्ट में ना बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाने वाली हूँ पनीर का पराठा बाबू को बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है और ये हेल्दी भी होता है बच्चे को स्कूल ले जाने में ना भी आसानी रहता है तो इसीलिए और मैंने एक मिर्चा कट किया है और थोड़ा सा प्याज और उसको अच्छे से फ्राई कर लिया है थोड़ा सा जीरा डाल के सरसों ऑयल में और यहाँ पे मैंने पनीर को मैंने घस लिया था और मेरे पास ज़्यादा पनीर नहीं था इतना में भी हमारा ब्रेकफास्ट तीन लोगों का बन जाएगा सो हमने सोचा कि इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और जैसे ही हमारा फ्राई हो चुका है थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा और मैं चला लूँगी सिर्फ दो मिनट और देख सकते हैं ये कितना सुंदर कलर भी आ गया है बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने से तो चलिए मैंने आटा गून के भी रख लिया है और और इधर मैंने कढ़ाई से निकाल के एक प्लेट में स्टफिंग को रख लिया है और उसको मैंने थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के लिए भी छोड़ दिया था जैसे ही हमारा स्टफिंग ठंडा हो गया ना मैं एक एक करके और पराठा तैयार कर देती हूँ क्योंकि ठंडा नहीं होता है ना तो फिर पराठा अच्छा तैयार नहीं होता है अभी हमारा लंच रेडी हो चुका है और बाबू को सबसे पहले दे देते हैं उसके बाद अभी बनाएंगे चाय और चाय और पराठा हस्बैंड को और बाबू को दोनों खिलाएंगे बट बाबू पराठा नहीं खाने वाला है मॉर्निंग के टाइम तो जल्दी कुछ खाने वाला नहीं होता है तो अभी ना मैं चाय और बिस्किट भी दे दूँगी बाबू को चाय बिस्किट खा लेगा तो बस और हस्बैंड को दूँगी पराठा तो चाय पराठा बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो ये जो पराठा है ना हेल्दी भी है एंड चाय के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है सच में गई जब मैं भी वॉइस कर रही हूँ तो मैंने भी खाया बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी था और सिंपल तरीके से मैंने बनाया भी था तो मॉर्निंग में ना ये हेल्दी और सिंपल तरीके से ना ईजी बहुत ही जल्दी बनने वाला आप लोग भी नहीं किए होंगे ना ट्राई तो एक बार ज़रूर कीजिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से और फटाफट बन जाता है तो चलिए हमारा इधर चाय भी रेडी हो चुका है और बाबू को और हस्बैंड को चाय देते हैं तो अभी हस्बैंड का यहाँ स्नान करने के लिए जब से पहले मैं बाबू को चाय और बिस्किट खिला दूँगी उसके बाद फिर हम हस्बैंड दोनों चाय वगैरह पियेंगे बाबू को मैंने खिला लिया है और इधर मैं अब बनाने लगी हूँ हस्बैंड के लिए तो अभी हस्बैंड स्नान वगैरह करके आ गए हैं और यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ ना एक एक करके बना कर दूँगी तो बहुत ही अच्छा लगता है तो यहाँ पे हस्बैंड अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और चाय के साथ और यहाँ पर बाबू ना लॉक से खेल रहा था यहीं पर ला रख दिया है इसे सबको हटाना है क्लीन करना है और यहाँ पर बाबू आ गया है पैर छूने के लिए ऐसे ऐसे बच्चे ना मतलब तो छोटी छोटी चीज़ों को जब ध्यान देते हैं ना तो बहुत कुछ आगे कर लेते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं तो यहाँ पे ना डैडी का मम्मा का बस पैर छू के जाना है एक बार टीचर ने बताया एक बार पापा ने बताया बस बाबू को ध्यान रहता है सो चलिए हस्बैंड और बाबू चले गए हैं अपने ड्यूटी पे और बाबू चला गया है अपने स्कूल और अभी हम आ गए हैं बाहर बाहर बाबू को बाय वग़ैरह किया उसके बाद अभी मैं लग गई हूँ अपने कामों में सबसे पहला काम होता है ना जब हस्बैंड और बाबू चले जाते हैं तो कि बाहर का मेरा ड्यूटी रहता है कि सबसे पहले झाड़ू कर लेते हैं मॉर्निंग के टाइम में करती हूँ जब उठती हूँ तो और नहीं तो जब स्कूल वगैरह रहता है ना तो जाने के बाद ही पॉसिबल हो पाता है करना बट हाँ मैं करती ज़रूर हूँ छोड़ती नहीं हूँ क्योंकि जब ना हमारा घर के बाहर साफ रहता है ना तभी हम घर के अंदर भी साफ़ कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि घर के बाहर गंदगी रहता है और घर के अंदर ना बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है मगर घर के बाहर जब साफ़ होता है ना तो लक्ष्मी घर के बाहर से ही आती है और बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई करके मेंटेन करके रखना चाहिए देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो अभी मैं आ गई हूँ सबसे पहले क्लीन करने के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग ना दोपहर वग़ैरह में यहाँ पर आके बैठते हैं और जब फ्रेशनेस फील होता है ना तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मैंने थोड़ा बहुत पेड़ पौधा भी लगा रखा है जो कि फ्लावर्स का है और ये देख सकते हैं ये है एलोवेरा प्लांट वो भी बहुत ही अच्छा है और अपने फेस के लिए भी अच्छा है कभी कभी जब मन करता है ना अपने फेस पे लगाने का तो उसमें तोड़ के लगा भी लेती हूँ और यहाँ पे ना आप लोगों से बात करते करते मेरा पूरा झाड़ू कंप्लीट हो गया है देख सकते हैं कितना अच्छा लगने लगा है अभी हमारा बाहर का व्यू और यहाँ पर पे पेड़ पौधा है जो कि बहुत ही अच्छा लगने लगा है यहाँ पर भी ना पत्ते गिर जाते हैं ना तो इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर रखा है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है तो so गाइस अभी मैं आ गई हूँ अंदर और रूम में देख सकते हैं कि हस्बैंड ने कपड़ा वगैरह चेंज किया था तो ये सब ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं तो उसे भी हमें क्लीन करना है हमारा काम ही होता है साफ सफाई करना मेंटेन करके घर को सुंदर बना के रखना तो बस इसीलिए लिए हम लगे रहते हैं अपने घर को सुंदर बनाने में और यहाँ पे ना बेड वगैरह भी ठीक करना है मुझे क्योंकि उस टाइम से हमने ठीक नहीं किया था ऐसे ही जहाँ का तहाँ का सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था तो चलिए अभी ठीक ठाक कर लेते हैं एंड उसके बाद आपको दिखाते हैं कि रूम कितना ही अच्छा लगने लगा है और बेड मैंने दो दिन पहले ही धुला था या पिछले वीडियो में धुला होगा जो कि अभी एकदम चकाचक लग रहा है अच्छा लग रहा है तो इसको मैं कवर कर देती हूँ कवर लगा देती हूँ एंड जो भी मैंने अभी लगाया था ना उसे भी निकालूँगी एंड अभी जाऊँगी बाहर इसे डाल दूँगी धूपा में पिलो कवर ना कभी कभी हमें धुपा में भी रखना चाहिए क्योंकि ऐसे जब हम सिर के पास रखते हैं ना तो ऑयली भी हो जाता है और थोड़ा सा अभी गर्मी का मौसम आ गया ना तो इस चीज़ों का तो ख्याल रखना ही है कि मैं आ गई हूँ बाहर यहाँ पे मैं एक चेयर ला के रख दी हूँ और उसके बाद ना दोनों पिलों को इसी पर रख दूँगी क्योंकि यहाँ पर धूपा बहुत ही अच्छा आ रहा है तो हमने सोचा कि यहीं रख देते हैं और हमको रखना है अभी गद्दा भी गद्दा को भी धुपा में मैं सोच रही हूँ कि रख दूँ कल से मैंने बाहर निकाल के रखा है धुपा कड़क यहाँ पे आ ही नहीं रहा था तो आज तो देख सकते धुपा अच्छा आया हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि रख देती हूँ तो चलिए रख देती ज़्यादा है और इसे उठा के रखना और यहाँ पे ना ज़मीन पे मिट्टी भी रहता है तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि जमीन पे ना ही रखूँ नहीं तो छत वगैरह रहता है ना तो ऐसे ले जाके रख दो और कोई टेंशन भी नहीं रहता है तो इसी हमने चेयर पर रख दिया है और उसके बाद ना मेरा काम वग़ैरह ख़त्म हो गया था तो मैं चली गई स्नान करने अभी आ गई हूँ कपड़ा वगैरह ज़्यादा नहीं है आज मेरे पास तो मैंने थोड़ा बहुत कपड़ा ही था तो वही मैंने धुल दिया है कपड़ा हाथ के हाथ धो ना तो फिर ज़्यादा नहीं बढ़ता है नहीं तो ऐसे कपड़ा बहुत जल्दी जल्दी पड़ जाता है तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी कपड़ा सारा और कपड़ा कल का भी था मेरे पास उसे मैंने उठा लिया है यहाँ पे धूपा नहीं लगता है इस वजह से ना कपड़ा जो मोटा रहता है वो सूखता नहीं है बट मैं यहीं डाल देती हूँ मुझे ठीक लगता है यहीं पर क्योंकि बाहर डालो ना तो फिर उठाने का टेंसन रहता है और यहाँ पर तो आराम से सूखते रहता है यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस भी होते हैं यहाँ पर टेंशन नहीं रहता है उठाने का तो अभी तो हमने डाल दिया है कपड़ा और अपने बाल को भी सुखा लेते हैं क्योंकि आज मैंने बाल धो रखा है तो यहाँ पे ना थोड़ा सा अपने बाल में से जितना भी पानी है उसको निकालेंगे थोड़ा पोछ वोच लेते हैं उसके बाद चलेंगे अंदर और अंदर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे थोड़ा सा बाल वगैरह झाड़ेंगे क्योंकि वो नहीं झाड़ा है और थोड़ा सा मोबाइल भी चलाएंगे एडिटिंग वगैरह जो भी है ना उसको कर लेंगे और अभी बहुत देर हो गया है करीबन एक घंटा हो गया है और अभी मैं आ गई हूँ अब लंच तैयारी करने के लिए तो लंच में मैंने इधर कुंदरुम काट दिया है और कटिंग करके अच्छे से धो धा के कटिंग करके अभी मैं आ गई हूँ किचन में तो इसे सबसे पहले छौक लगा देंगे क्योंकि दाल चावल कुंदरूम की भुजिया बनाऊँगी मैं आज तो बहुत ही अच्छा लगता है दाल चावल के साथ कुंद्रम की भुजिया तो अभी ना मैं सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ भुजिया बनाने में ज़्यादा तो कुछ मसाला मसाला नहीं डलाता है आप लोग बताइए कैसे बनाते हैं मैंने तो थोड़ा सा तेल डाल दिया है मेथी डाल दिया है थोड़ा सा मिर्चा डाल दिया है और ये कुंदरू को मैंने अच्छे से झोंक दिया है और थोड़ा देर के लिए ढक के छोड़ दिया है और देखते हैं फटाफट बन जाता है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इधर मैंने बर्तन वगैरह धुल के रखा था ना तो उसे भी मैंने सोचा कि लगा देते हैं अच्छा लगने लगेगा देखने से और अभी तो कप वगैरह का कोई काम भी नहीं है तो इसीलिए हमने लगा दिया इधर साइड में एंड मैंने चावल भी रख दिया है एक साइड तो जैसे हो रहा है हमारा चावल इधर भुजिया भी हो जाएगा और अभी ना दाल ख़त्म हो गया है तो हमने सोचा ना कि दाल को थोड़ा देर बाद ही बनाते हैं हस्बैंड आ जाएंगे तब उनसे मंगवा लिया है तो दाल चावल और भुजिया हो जाएगा और दाल में मैं आलू भी डाल दूँगी साथ में ही दाल के साथ ना चोखा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और आलू डाल ना दाल में तो फटाफट बन भी जाता है तो मैं हस्बैंड आ चुके हैं खाना पीना हम लोग खा लिए हैं और फिर उस टाइम ना वीडियो वगैरह शूट नहीं किए क्योंकि हस्बैंड आए थे और जल्दी जल्दी मुझे बनाना भी था तो इसीलिए फिर बनाए खाना पीना खा लिए हैं और इधर मैं आ गई हूँ बाहर से अभी कपड़ा लेके जो भी थोड़ा बहुत कपड़ा था ना हमने सोचा कि इसे फ़ोल्ड कर देते हैं फटाफट अभी हमने फ़ोल्ड कर दिया है और यहाँ पे ना पिल्लो कवर भी लगाना था तो उसे भी लगा दूँगी तो गाइज़ मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग जरूर बताइएगा अच्छा लगेगा तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक फटाफट पत पहुँच पाए तो गाइज़ अभी के लिए टेक केयर बाय बाय गुड डे